हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सियासी शतरंज की बिसात पर वही विजेता बनता है जो अपने वोट बैंक को बचाते हुए दूसरों के वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब होता है। अमेठी में बीजेपी के संभावित उम्मीदवार स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का भी समर्थन मिले, इसके लिए बीजेपी ने समुदाय के लोगों को साधना शुरू कर दिया है। जायस में 13 सभासदों समेत मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर मोहसिन रजा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मजहब और बंटवारे की राजनीति करती है, जबकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास चाहती है। अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश तेज, 13 सभासद समेत सैकड़ों लोग बीजेपी में शामिल। मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस करती है बंटवारे की राजनीति। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच शह और मात का खेल और तेज हो गया है। बीजेपी को अपने परंपरागत हिंदू मतदाताओं पर तो भरोसा है ही, लेकिन अब उसने अल्पसंख्यकों को भी साधना शुरू कर दिया है। इसके लिए बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। जायस नगर पालिका क्षेत्र के रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के 13 सभासदों समेत सैकड़ों लोग बीजेपी में शामिल हुए। जिले के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने भी सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस संप्रदाय और बंटवारे की राजनीति करती है, जबकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है। हम चाहते हैं देश की मुख्य धारा से तमाम मुस्लिम समाज के लोग जुड़ें। ये जो पिछली सरकारों ने जिस तरह से इनको ठगने का काम किया था, जिन्होंने सिर्फ वोट बैंक समझकर इनके साथ में पिछले 50-60 साल तक इनको कहना चाहिए कि इनके जो विकास कार्यों का पैसा था उसकी लूट करी है, जिसकी परिप्रेक्ष्य में ये सारे के सारे आज हाशिए पर पड़े हुए थे, उनको ऊपर उठाने का काम किया है आदरणीय मोदी जी ने, और उस पर हम धन्यवाद करते हैं। तमाम देश के और जैसे 13 सभासद यहाँ पर हैं, तमाम मुस्लिम समाज के लोग हजारों की तादाद में यहाँ पर, जिन्होंने ये एक जनप्रतिनिधि जो होता है कम से कम हजारों लोगों को वहाँ पर चुनाव लड़कर जीत कर आता है हजारों लोगों से, तो ये मान के चलें कि हजारों की संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है, ये आदरणीय मोदी जी का है। इस मौके पर मोहसिन रजा ने SP-BSP गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। मीडिया ने बीजेपी में शामिल होने वाले सभासदों और दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश की, तो कोई भी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हो रहा था। काफी प्रयास के बाद बीजेपी में शामिल हुए सभासद के प्रतिनिधि ने कहा कि 13 सभासदों के साथ सैकड़ों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ और सबका विकास की राजनीति करती है, इसीलिए हम लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। मोहसिन भाई की मोहब्बत और उनकी कार्यशैली को देखकर और उनका स्नेह इतना हम लोगों को मिला कि उससे प्रभावित होकर हम लोगों ने भाजपा ज्वाइन की है, और भाजपा की नीति सबका काम सबका विकास का मामला है, और करीब करीब सबसे पहली जो उपलब्धि उनकी रही है गरीबों को छत देना, और उसी को हमने देखकर ये फैसला लिया। बीजेपी ने मोहसिन रजा के जरिए कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी की कवायद शुरू कर दी है। अब देखना है कि आगामी चुनाव में उसे अल्पसंख्यकों का कितना समर्थन मिलता है और इससे स्मृति ईरानी की जीत की राह प्रशस्त होती है या नहीं। सभा चुनाव के पहले राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में सह और मात का खेल शुरू हो गया है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के परंपरागत ओटो में बीजेपी के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने सेंध लगाने की कवायद शुरू कर दी है। मंत्री मोहसिन रजा ने सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी की जन्मस्थली जायस के दर्जनों सभासदों समेत सैकड़ों से ज्यादा अल्पसंख्यकों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई और स्मृति के लिए 2019 की राह को आसान बनाते नजर आए। अखिलेश सोनी, समाचार प्लस, अमेठी।